सीखा होगा, बारीकियां जानी होगी। कुछ चीजें मैं क्वेश्चन करूँ तो आप उसमें थोड़ा सा जवाब दे पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे चींटी वाला रोल था कि चींटी क्या करती है, मधुमक्खियों का चींटी से कोई लिंक है, उसके बारे में बता पाएंगे? आप ही लोगों से सवाल है। चींटियां जो होती है सर उसके छत्ते को खराब कर देती है, वो बस शहद के लालच में, अगर शहद उसका छत्ते की शहद खाने के लिए वो उसके वहां तक जाती है, अगर वहां उनको कहीं से सुराग मिल गया जाने का तो छत्ता खराब कर देती है सर। सुराग तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके हाँ बचाव के लिए भी आपने जी हाँ ये सब्जेक्ट जो बताया था आपको पूरा उसके साइकिल बचाव के लिए हम है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, उसके नीचे से जो स्टैंड होगा डब्बे का स्टैंड होगा एक कटोरा पानी भर के रख देंगे ये चारों कटोरा तरफ, चारों चारों तरफ तरफ पानी भर के रखा उससे पानी मतलब भर जाने से हम रोक सकते हैं। जी सर बाकी तो यही है कि हम बचाव के लिए पहले देखें, तभी कोई भी हमारा रोजगार है तो उसके लिए क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या हमें करना है उसकी पूरी जानकारी। जैसे लोन के बारे में मैम ने बताया, डीएम मैम है और अभी और बैंक से भी आ रहे हैं, तो लोन के साथ साथ हमारी जो स्कीम्स है कि अगर हमें जो आज प्रमाण पत्र मिलेगा इसके माध्यम से हम इस प्रमाण पत्र को यूज करते हुए 10 बॉक्स तक 40% का अनुदान बॉक्स और मोहन बीज जो आएंगी उनके लिए भी दे सकते हैं। और अगर हमारी एक MIDS है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, इसमें हम 50 बॉक्स तक का अनुदान मतलब अनुदान पे उपलब्ध करा सकते हैं, पर उसमें जो हमारे आवेदन पत्र है वो बहुत अधिक मात्रा में, तो यह कि हम अपना अप्लाई करते हैं और जब तक हमें वो स्कीम मिलती है तब तक हम लोन लेके, मेरा सोचना है कि 50,000 तक का जो लोन उपलब्ध है उसमें हमें लगभग 10 बॉक्स तक का तो हम कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आप उसमें प्रयास कर लीजिए। मधुमक्खियाँ कहाँ से मिलेंगी इसके लिए आप आपकी ट्रेनर मैडम है थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तब जाके मन बनेगा आपका, क्योंकि इसमें उसको फैमिली को डिवाइड कर करके हम 2 बॉक्स आप स्टार्ट कर लीजिए, मेरा सोचना ये है। और फिर ऋण ऋण के माध्यम से हम 10 बॉक्स और 50 बॉक्स तक हम अपना रोजगार लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा रोजगार बढ़ता है तो इसको हम फिर आगे एक उद्योग के रूप में प्रारंभ करें। और मुझको आसमान तो पड़ा क्यों डरते हो, डरते हो है वाली दुनिया से, सबसे अकेले मिट जाऊंगी मैं, अपराजिता बन जाऊंगी मैं, अपराजिता बन जाऊंगी मैं, शपथ ले रही हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी, बेटा बेटी में कोई भेदभाव न करते हुए उनके पालन पोषण में समान अवसर प्रदान करूंगी, मैं अपने गांव मोहल्ला जिला और प्रदेश की बेटियों को आगे पढ़ने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यथा शक्ति प्रदान करूंगी, हर बेटी में आत्मविश्वास जगाकर उन्हें स्वावलंबी बनाऊंगी। एक मिनट ऐसी हाथ है हाथ ऐसे करो।